अभी भी निकली जा रहे हैं। गाइस ये क्या है? पायल मैं देख ले, लहसुन का जाते हैं। आम लग रहा है, लठूरा लग रहा है, लठूरा। तो यूटर्न करना भी आता है। ये देखो यूटर्न कर रही है, तो इनकी शक्लें देख लो। तू बस चीखी सो बेटा, थोड़ा सा सुनती है तो मेरी बात। तुबा ये देखो, ये आपका टारगेट है, जाओ अपने टारगेट को पकड़ो। तुबा हाँ, तुबा वेरी गुड, वेरी नाइस तुबा, वेरी नाइस। गोलू तुबा बदतमीज कितनी है तू, कितनी सो रहे हैं, जोड़ समेत पा रहे हैं। पूरा मेरे बहुत तेज लग गया और देखना कितना लाल हो गया। एक काम करते, घर चलते हैं, सर दर्द हो रहा मेरे। जोर से बोलो जय माता दी। आयन पापा उल्टी क्यों कर रहे बेटे, व्हाट इज दिस फॉलोवरी। अभी अभी पापा बोला था यान ने, दोबारा बोलेगा गाइस वेट करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 11 और जब से चीकू ट्यूशन स्कूल गया तब से मैं सो ही नहीं हूँ, तब से उठी हूँ, क्योंकि पहले तूबा जाएगी, फिर अयान जाएगा, अब जैद जाएगा। जैद नहा के रेडी हो गया और अयान गया नहाने, मालिश हो चुकी है उसकी, बस तूबा रह गई है। और यहाँ पे जो है हम लोग सोच रहे हैं, मैंने ऑयल लगा लिया, इनका जाने से पहले ना ऑयल लगा के सर धो लूंगी। कल भी वैसे सर धोया था लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पे भी धोना पड़ेगा तो एक बार ऑयल की चंपी हो जाएगी तो सही रहेगा। और वैसे भी मैं एक ऑयल यूज कर रही हूँ जिससे ना मेरे बाल झड़ने थोड़े से कम हुए हैं और देखती हूँ ग्रोथ कितनी होगी। अगर मेरी ग्रोथ अच्छी होती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी इस तेल के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है मेकअप की पूरी ये छोटी सी वैनिटी बना लिया, क्योंकि पहले मैंने ना चीकू के वो लंच बैग्स लेके आई थी ना उसमें डाल दिया था सामान। फिर मैंने सोचा कि पहले भी एक फाउंडेशन टूट चुका है, फिर एक हाइलाइटर वो ब्लशर टूट चुका है, ये ना हो कि वो कहीं गिरे और टूट जाए, तो मैंने इस वाली में छोटी सी वैनिटी में डाल दिया मेकअप। तो ये ऊपर ही रखेंगे क्योंकि हमें निकलना ना, जब तब भी थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ेगा, तो ऊपर ही रखा है कि इसी में से निकाल के इसी में से कर लेंगे। और अब बस लास्ट एक लगेज रह गया जिसे पैक करना है, बाकी तो सारा कल पैक हो गया था, लास्ट लगेज अभी पैक कर लेती हूँ। तुबू नाए नाए करने जाएगा, अब तुबू नाए नाए करने जाएगा। मार ले बेटा, मार ले मार ले तुबू आ जा, इतना तो आ गई। तुबू नाए नाए करने जा रहे हो, दोनों भाई ना लिए इसके लिए हम वैष्णो देवी सिर्फ चूड़ी लेके आएंगे, बैंगल्स लेके आएंगे। और कंचक वाली बैंगल्स का यहाँ पे ब्राउन वाले ड्रॉर के अंदर ऊपर पड़ी बहुत सारी बैंगल्स, पिना दे पिना दो आंटी। तो यहाँ पे तुबू भी हो गई है रेडी, नहा धो के, और इतनी सुंदर बाबू लग रही है। ये ना कैप है ना गाइस, यार वाली ये है चीकू भाई की कैप, तो तुबू को लूज थी तो मैंने तुबू की कैप की सेटिंग कर दी, देखो फोल्ड कर दी अंदर, अब लग रही है बढ़िया। तो यहाँ पे चल रही है फाइनल पैकिंग। फाइनल पैकिंग में थोड़े कपड़े जो हमने जाने जाते हुए पहनने के लिए निकाले हैं, और सॉक्स भी, सॉक्स निकाली है और वो निकाले हैं श्रग्स निकाले हैं सूट, क्योंकि सूट पहनने वाले हैं तो उनके साथ श्रग रखे हम। सो गाइस ये जो डाइट है ना, इतनी ज्यादा हैवी डाइट है, इतनी ज्यादा जबरदस्त डाइट है कि मैंने ना ये डाइट इतनी खा ली है, मेरा पेट एकदम ऐसा हो गया बस। तो अभी ये जो मैं ना इसको रख रही हूँ और एक घंटे बाद फिर खाऊंगी, क्योंकि मैं ना थोड़ा थोड़ा खा सकती हूँ, एक साथ ना बहुत सारा नहीं खा पाती। क्वांटिटी जो है ना वो कम कर दिया और जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैंने बढ़ा दी है। एक चीज दिखाती हूँ, ब्रश तो धो दी मैंने, एक चीज दिखाती हूँ हमारा कितना सारा फाउंडेशन इसके अंदर है। इतना फाउंडेशन वेस्ट होता है गोलू, हमारे मुंह पे लगता है आधा लगता है, आधा इसमें रह जाता है। ये देख निकली जा रहा है, निकली जा रहा है। बच्चों के से धोने धुल गए तो शैम्पू मैंने वो कर दिया, ठीक है। देख अभी भी निकली जा रहा है। ओहो गाइस ये क्या है? पायल मैं देख ले, लहसुन का जाते हैं, देख लहसुन खा रहे हैं बेटा, लहसुन नहीं खाना, देखो लहसुन गंदा नहीं लग रहा। आयान आयान लहसुन नहीं खाना बाबू। तो अब समझ आया कि मुझे लहसुन कहाँ जाते हैं, लहसुन जाते हैं आयानू के मुंह के अंदर, मुंह में जाते हैं ना, तभी मैं सोचू मुंह से कैसी बच्चों की भड़ास सी आ रही है। भड़ास क्यों थे? सड़ांद सड़ांद। यहाँ पे हमारे ब्रशेज हो गए रेडी घूमने के लिए। ये ठीक है, देख इसका कुछ नहीं हुआ, इतने प्यारे हो गए ना खा पी के, मोटा ताजा हो गया। देख आम लग रहा है, लठूरा लग रहा है, लठूरा। अभी सुखाऊं कैसे, तो गिले रहेंगे। मशीन में डाल दे, ड्राई करेंगे, डाल देती हूँ मैं तो, कोई स्पिन हो जाएंगे। बेटा फूक मारो, फूक मार दो, नहीं हाथ से नहीं, ऐसे इसे सुखा दो ऐसे करके, और इसको अलग अलग कोने में, अलग अलग कोने में उसको तो देख ली। सुबह को कहाँ आउट ऑफ सर्विस आ रही हो, थोड़ी देर में वहाँ जाएगी लेकिन बॉल के बाद। तो ये देखो गाइस, देखो जमीन पे चलेगी, पहली बार जमीन पे चली है लड़की। देखो मैं कह रही हूँ, तुम दोनों तो बेटा मगरमच्छ की तरह लेटे हुए हो। आप तो देख शांति वहाँ से वहाँ आई है। ये भागती होते हैं, ये देखो यहाँ की, यहाँ से वहाँ चलेगी। बड़ा मजा आया मेरे को, इन्नी क्रॉलिंग। ये देखो इसको ये खानी है फ्रूट। पाल देख, पाल यूटर्न करने भी आता है, पाल इसको यूटर्न करना भी आता है। ये देखो यूटर्न कर रही है, यूटर्न कर रहा है खुद से प्लेट की तरफ। तू बस जा बेटी, भाग तू,
अक्षु ना आजा तू ऊपर आ, ये फ्रूट प्लेट खाना है इसको, और इसको देखो तू जादू बेटा भूत प्लेट खानी है, और इसको देख लो अलग कोने में टोकरी के साथ खेल रहा है। तो इनकी शक्लें देख लो, ये कह रहे स्ट्रॉबेरी प्यूरी, और उसकी देख लो। तो गाइस यहाँ पर ना मेरे जो बाल है वो भी हो गए सेट, में बालों को ना ब्लो ड्राई करवा के आ गई हूँ क्योंकि हमें जाना है बाहर। जो बाल है ना वो अच्छे से लगने चाहिए, नेल्स फेस सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो अभी क्या मैं मेकअप नहीं कर रही, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि चीकू के पापा का लेना है वार्मर, और साथ ही साथ ना सूरज भैया का भी वार्मर लेने। तो ये रही हमारी फाइनल पैकिंग, और जो ग्रीन वाली हील्स है ना ये हम लोग नहीं लेके जा रहे, तो ना कौन लेके जा रहे हैं? मैं लेके जा रही हूँ हील, इन केस मुझे किसी सूट के साथ हील पे वीडियो बनानी है पहन के। मैंने सोचा ग्रीन रख लेती हूँ, ब्लैक रख लेती हूँ, ग्रीन रख ले कोई भी रख ले कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अच्छा मैंने पर ये बात तो पूछी नहीं, चप्पलें कौन सी रखी हमने? सिंपल सिंपल ना, सिंपल और एक एक जूते एक एक चप्पल बस। ठीक है पिंक वाले शूज दोनों के, दोनों के पिंक शूज, तेरे पिंक शूज क्योंकि तेरे लॉन्ड्री थे। मैं तो गंदे थे ऊपर, तेरे ज़ारा के रख लिए नहीं, मैंने वो दूसरा एक और पड़े थे अपने पास। ठीक है पायल मैंने अभी देखा लिफ्ट से इतना बड़ा कोरियर आ रहा था, अब जैसे हमने लिफ्ट रोकी लिफ्ट नहीं रुकी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमू घूमू क्योंकि जैद और अयान दोनों सो रहे थे, तो हमने कहा इस मौके का फायदा उठाते हैं। तो दुबा किधर जा रही हो पर्स टांग के? मम्मी के साथ घूमू घूमू। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, बहुत ज्यादा लेट हो गए, जाना था सुबह से बट पता नहीं आज ना हो ही नहीं पा रहा था मार्केट का। अब जाके प्लान हुआ है कि चलो निकलते हैं। तो तूबा यहाँ पे फुल खुश है, अभी मैं जब कैमरा चल नहीं रहा था ना इतनी तेज चीख रही थी ना मैं अभी ये बाहर का सड़क देख के, अगर दोबारा चीखती है ना तो मैं रिकॉर्ड करवाती हूँ ये मूवमेंट। तूबा चीखी सो बेटा थोड़ा सा सुनती है तो मेरी बात, तूबा थोड़ा और तेज बेटा, तूबा थोड़ा और ज्यादा, हाँ ये सबसे डिफरेंट बातें करती है ना। तुबा आपका नाम तुबा है? मुझे तो नहीं लग रहा आपका नाम तुबा है, मुझे तो लग रहा है आपका नाम कुबा है। ओए तुबू तू बात कर ली, मेरा जो ना तू बकला आपका है, इसका शूज खुल गया बंद करियो, पर इंजॉय कर रही है, मैं इंजॉय कर रही गोलू, इसको बोलू जी मैं गोलू, पर ये है तुबा, ये है तुबा, ये आई तुबा आई अपने पापा के लिए वार्मर लेने क्योंकि सबके पास वार्मर बस और सूरज भैया, सूरज भैया के लिए भी लेना है हमें। तो हमने एल साइज मांगा था, फिर एल साइज हमें देखने से लगा बड़ा, तो हमने सूरज भैया को ट्राई कराया है यहाँ पे, तो बहुत लूज लूज आ रहा था तो हम ले रहे हैं एम, एम के दो सेट दे दो मुझे पापा के शूज के भी आपका सेम साइज, आप दोनों का सेम साइज है ना फिर? पायल का पूरा 2Z। हाँ पायल बेटा ये देखना जरा, आपके पापा का बेड नहीं है ये, बैठो उधर, ऐसे नहीं करते सब जगह नहीं लेते, यहाँ बैठो मामा पीछे, चलो हो गया शॉपिंग हो गया। तो गाइस घर पे तो तूबा को बहुत बार देखा है मैंने क्रॉल करते हुए, थोड़ा मतलब ऐसे सरफेस पे नहीं देखा, ऐसी वाली सरफेस पे देखती हूँ तूबा सही क्रॉल करती कि नहीं। तूबा चलो क्रॉल करो, तूबा ये देखो ये आपका टारगेट है, जाओ अपने टारगेट को पकड़ो तूबा। हाँ तूबा वेरी गुड, वेरी नाइस तूबा, वेरी नाइस तूबा, वेरी नाइस, वेरी गुड। तूबा जीत गई है पापा के लिए 3 हैंकी, ये गोलू अच्छे लग रहे हैं, क्रॉक्स बहुत सुंदर लग रहे हैं और वॉक अच्छे लग रहे हैं, ऐसे छोटे नहीं है क्या? अरे ये ना वाओ गाइस इतना होल्ड करना, अरे वाह ये तुबा के लिए, कैसे लगे मम्मा की चॉइस कैसी लगी? घर से ना खाना खा के निकली थी फिर भी मुझे ना भूख लग रही है, और अभी देखते हैं क्या मिलेगा रास्ते में, कुछ खाते हैं चटपटा सा। तुबा तुबा को भी लग रही है भूख, से लग रहा है तू की कर दी है, तुबा को भी शायद भूख लग रही है तो इसको भी कुछ खिला देते हैं। इसको ढोकला खिला दूं आज बढ़िया सा? अरे हां और हेल्दी भी रहता है, मैं भी खाऊंगी ढोकला, मैं भी खाऊंगी चल ढोकला, मिर्ची भी ढोकला खाते हैं चल। चक्की मार गई, भूख लग रही थी ना इसको, पागल हो जाती है क्या? फाइल जूडियो तो पहुंच गए, मिठाई की दुकान कहाँ है? बोरी ना कहाँ पेंटेटून सर, बर्गर किंग, बर्गर किंग है क्या? तू कहीं बहुत ही बड़ी ना गोलू मिठाई की दुकान है, मुझे पता है तुझे क्या लग रहा है, तुझे हैदराबाद की याद आ गई आज, ददूस की पापी है ना बड़ी सी दुकान ददूस। हाँ ओगी, हम कितनी जलेबी खाते थे ना ददूस की, ओगी ओगी। अच्छा इसके लिए हम फ्रेंच फ्राइज ले लेंगे, खा सकती है ना। तो यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया ना, मुझे विंटर की कैप मिली ना मुझे ग्लव्स मिले, दोनों चीजें नहीं मिली। एक कॉट सेट बहुत अच्छा लगा था मुझे और पायल को दोनों को, बट ना उसका ना अपर था मतलब कि लोअर नहीं था, अगर वो कॉट सेट होता ना प्रॉपर तो वो बड़ा मजेदार होता। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और। गोलू सो गई
सुन इतना फर्क नहीं पता लग रहा। तो मैं पायल के साथ इतनी बातें कर रही थी ना, मैं पायल तो ऊपर से टाप के चले गई, मैं कह रही हूँ हाँ पायल हाँ, मैं ऐसी हो गई और अभी मैं गिर जाती। सोच आ जल्दी आ, वो कितनी बेइज्जती होती है ना, मैं गिर जाती सामने लोग खड़े हैं, कितना हंसते हैं। कौन लोग कह रही, कौन लोग खड़े पीछे दुकान है कॉफी बीन की, वहाँ पे लोग खड़े कह रही बैठे हैं। मैंने कहा यार तू भी ना, खड़े हैं, खड़े में और बैठने में फर्क होता है। तेरी कितनी बकवास करती है ना तू। तो गाइस सर्दियों के अंदर टोपी और ग्लव्स ढूंढना तो ऐसा हो रहा है जैसे रेत में रेगिस्तान, रेगिस्तान में रेत। अच्छा फिर गलम वो, इस बार मैं सोच रही थी ना कि मैंने सही बोला होगा रेगिस्तान में, पर बहुत मुश्किल हो रहा है यार हमको। पर एक बात बोलूं, रेगिस्तान में रेत ढूंढना मुश्किल क्यों होता है, रेगिस्तान में पानी ढूंढना मुश्किल होता है, ये भी गलत बोलती है। गाइस यहाँ पे कैप तो मिल नहीं रही, कैप की जगह टॉप दिख रही है, बताओ हाई नेक टॉप एक ही बात है। तो गाइस मुझे एहसास नहीं था मेरे नेल्स में भूल गई और मैंने इतनी तेज ने ऐसे कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे लाल लाल पूरा मेरे, बहुत तेज लग गया और देखना कितना लाल हो गया। आज का लगता है कुछ बना नहीं हमारा प्रोग्राम, ना टॉप पसंद आया, ना कैप मिली, ना ग्लव्स मिले, अब वो ग्लव्स भी नहीं है। एक पायल वहाँ मिल जाएंगे हमें कतरा में, कतरा कतरा के कटरा कटरा तो 7 साल बाद, हाँ वहाँ तो सब कुछ मिलता है। वैसे नीचे एक दुकान है वहाँ देखूँ, नहीं है वो तो गर्ल्स की है ना, सारे हमें देख रहे हैं बाहर से। एक काम करते घर चलते हैं, अपने सर दर्द हो रहा मेरे। तो गाइस अभी मेरे को लगता है हमारी सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा है, टेंट लग रहा है ग्रीन और येलो कलर का, इधर गाड़ी भी खड़ी है जैसे जिसमें डोली नहीं आती लड़की आती है। हल्दी मेहंदी का कुछ फंक्शन है इधर, हाँ शादी वादी है कुछ, शादी वादी। तो हम फाइनली घर पहुंच गए हैं, हाथ में सामान है, बच्चा उठ गया था हमारा, उसको थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज खिला दिया, तो बस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके पियेंगे चाय और मैं सोच रही हूँ आधा घंटा आराम करूँ, थक गई। तो गाइस सच में पैर इतनी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं नेल पेंट के साथ, मजा आता है जब नई नेल पेंट लगाते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है। बोलो मामा नहीं बोलेगी यही करती है गंजरी सी। तो यहाँ पे जो है आयान जस्ट अभी अभी उठ के आया है और जैद भी और अभी उठा हुआ था जब हम आए, हाँ। और तूबा चली गई है चिज्जी खाने, चिज्जी खाने, उसके बाद तूबा सोएगी, तूबा सोएगी और ये दोनों उठ जाएंगे अब, मतलब उठे हुए हैं अभी, खेलेंगे हमारे साथ और मिस करेंगे हम बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकते बोलो क्योंकि ठंड वहाँ पे बहुत ज्यादा है, हाँ। इसलिए हम इनके नाम का आशीर्वाद लेके आएंगे माता रानी से, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, लेटे वाले जय माता दी, बैठे वाले जय माता दी। हाँ जी बोलो पापा, पापा अयन पापा अभी उठे ना पाल, तो ये खुद अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है, करो सिर मेरे को डर लगा भी सिर पे। और गाइस पता नहीं ना ये जो है ना अयान, अयान को ना सबसे ज्यादा अयान गिरता है, हैं चोट भी सबसे पहले आपको लगती है ऐशा को, शाम जबकि बेड पे थे आप, ये वही बात हो जाती है जैसे मैं हूँ, अगर मम्मी बोलते हैं ना गोलू राइट जाना है तो राइट में जाकर भी मैं गिर जाती हूँ, लेफ्ट पे जाऊंगी तब भी गिर जाती हूँ। हाँ जी गुच्छे पड़ी, मेरा गुच्छा पड़ा, ये हम इसे गुच्छे पड़ी क्यों कहते हैं, ये मैंने इसका नाम रखा था गोलू मम्मा। हाँ भाई कहाँ फंसा हुआ तू, पर्स लेके जाना मेरा, ओ मेरी बंदरू तू कहाँ फंसी है, मेरा पर्स लेके जाना है आपको कहीं, पर्स लेके जाना है मेरा, कहीं लेके जाना है पर्स। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी चाय और अयान जो है बिस्किट के मजे ले रहा है, चाय के साथ बिस्किट खा रहा है, मजा रहे। तो गाइस जब ये अयान और तूबा जब मेरे पेट में थे ना तब मैंने इतने गुड्डे बिस्किट खाए, इतने नहीं मॉम्स मैजिक, इतने खाए बहुत ज्यादा, मैं चाय के साथ बिस्किट बहुत खाती थी, मुझे बहुत पसंद आते थे। और लेकिन जब से बच्चे हो गए ना मेरे को बिस्किट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और पहले इतने बिस्किट लेके आती थी, मैं इतने बिस्किट लेके आती थी, अब सिर्फ ये बिस्किट आते हैं लक्ष्य के लिए, लक्ष्य खाती है अब मेरे बाद ना, लक्ष्य ने खाने शुरू कर दिया, मैंने खाने छोड़ दिए। और अभी ना बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आए, मैंने मंगवाए तो बहुत पहले थे लेकिन अभी आए, और इनमें से भी सोच रही हूँ कुछ रख लूँ वहाँ के लिए क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होगी ना, तो सोच रही रख लूँ। खाओ बच्चा कैसा लगा, आयान कैसा लगा बताओ बच्चा, पापा पापा पापा, तीसरी आउटफिट बोलो पापा पापा पापा, जैद पापा बोलिए बेटा पापा, तीसरी आउटफिट है सी, अरे पू करा पू करा आयान पू करा, हाँ इसने पू करा बेटे बेटे इधर बताओ, इधर बताओ इतने कपड़े कौन चेंज करता है, इधर कौन जैद मलिक करता है क्या, स्ट्रॉबेरी खाई ना मेरे को पसंद नहीं आई, आंटी कह रही तुमको स्ट्रॉबेरी सूट नहीं हुई, अगली बार चलाएंगे नहीं। तो गाइस आज ना इतना टोपी और ग्लव्स कोलू ने इतना ढूंढा टोपी ग्लव्स कहीं नहीं मिले, ये लगा लो हम स्टूडियो गए, सॉपर स्टॉप गए, और फिर हम मैक्स विसन गए, वेनिसन, और हम वहाँ गए मैडम गए, मैडम फॉरएवर 21 गए, नहीं मिला हमें। ओए उल्टी क्यों कर रहा बेटे, व्हाट इज दिस कॉलोवरी, अभी अभी पापा बोला था यान ने, दोबारा बोलेगा गाइस वेट करना। सुनो ठीक है मम्मी, सुनो मम्मा मेरे फ्रेंड बाहर मेरे को मिलने आए, मैं थप्पड़ मारूंगी सो जा,
सो रहा हूँ तो आप मिलना। हाँ बहुत दिन से बोल रहे थे। हाँ मिल लूंगी, बुला ले। पापा इतना चला के ना जैसे कैमरा ऑन होता है ना वैसे बंद कर देता है। एक सेकंड पहले बोला पापा इतना क्लियर बोलता है और कैमरा हाथ पकड़ के बैठा है कि जैसे बोलेगा उसे ऑन करते हैं। लेकिन ये इतना चला के लड़का, जैसे इसको दिखता है ना कैमरे की बात सुनाई देती है। हम इतनी बार इसको कैप्चर करने की कोशिश कर चुके हैं, सुबह भी कैप्चर करने की कोशिश करी। सुबह की तो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, इसमें दिखाई। ये देखो यहाँ पे मना कर रहा है, नहीं बोलूंगा पापा। एक जगह पापा कर पा किया था पापा। बोलो पापा। बोला था यार ने पा। तो मैं पायल और चीकू सोच रहे काम करते थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, क्योंकि देखो रात को मैं ट्रैवल करना है, पूरी रात जागना पड़ेगा। और अभी सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे। चीकू को स्कूल भेजने के बाद हम लोग सो ही नहीं थे, तो थकावट सी हो रही है, तो एक घंटा सो जाते हैं। तो गाइस पायल ने ऐसी हरकत करी है ना, मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा कर सकती है। अयान ने इतनी मुश्किल से पापा बोला और मैं वही करी थी कैमरा लेके, तो मेरे को था कि कैमरा आए ना फटाफट फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड कर दी है ऑन द स्पॉट की वीडियो है। ये देखो और पायल ने देखना क्या करा, अब इसकी शक्ल देखना। मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया, आपको टेंशन नहीं है। एक बार अयान की शक्ल देखियो, पायल अयान की शक्ल देखियो। तो गाइस जो चीक जो अयान ने आज पापा पापा बोला है, वैसे उसने काफी बार बोला है पर कैप्चर नहीं हो पाया, आज कैप्चर हुआ। और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने चिल्ला दिया था, जिससे कि वो डर गया था। तो थोड़ा जो पापा है शायद आपको सुनाई देगा और आपको बताना है ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा अयान का। मैंने इसमें टॉयलेटरी सारी डाल दी है, इनके वार्मर लेके आई थी, वार्मर डाल दिया है। अपनी चप्पल तो उस बैग में रख लूंगी मैं, ये तो पहन के जानी पड़ेगी। ये पहन के चलते हैं ना, अच्छी लगेगी स्वेटर। ये पहन लेते, स्वेटर का है ब्राउन वाला, मेरे को नहीं पता यहाँ रखा था, पता नहीं मैंने कहाँ रखा। मैं यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं है, मैंने उतनी कहाँ संभाल के रख दिया, यहाँ तो नहीं है। पाइल ब्रश से ब्यूटी ब्लेंडर वो सब ऊपर छत पे सूख रहे हैं, याद आ गया। मैं लेकर आता हूं, अब मेरी बात सुन, पहले पूजा वाले पैसे निकाल ले। ठीक है पाइल, पूजा वाले पैसे। हाँ समझ गई, प्रसाद के। हाँ, 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 वो मेरे को पता है, वो बैग में पड़े अंदर ब्लैक कलर के बैग में, वो निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं अपनी, मेरी सासू माँ ने जो दी थी ना पजेब और चुटकी, वो पहन रही हूँ मैं। इनका सूट पहनने माता पे और नई पायल है, नई पायल है। और यहाँ पर ना मैंने बिल्कुल न्यू हैंकी रख ली है, सूरज भैया चीकू और चीकू के पापा के लिए। वैसे तो 6 हैंकी थी पर अभी इसमें 3 ही है, तो 3 हैंकी रख लेती हूँ क्योंकि हैंकी की जरूरत देखो कभी भी पड़ सकती है। और यहाँ पर ना मुझे पूजा ने और किसी एक और पायल ने, पायल किसने दिए, किसी तूने कहा ना किसी एक ने पैसे दिए चढ़ाने के लिए। अच्छा नीचे वाली भाभी उन्होंने दिए और पूजा ने दिए, तो वो दोनों पैसे मैंने रख लिए संभाल के। चल ठीक है, तो अभी चीकू के पापा पायल और चीकू जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं और पायल तो अपने लिए सेम कलर की टी शर्ट लेके आए थे, तो ये टी शर्ट पहनेंगे, साथ में पहनेंगे ब्लैक कलर की जैगिंग। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर हमारे ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर लेने। हाँ जी इंजॉय, क्या कर ले हो आप, उल्टे को चलते हो, सीधे चलो, सीधे चलो जैद, आओ इधर आओ, वॉकर को पकड़ो, आओ आगे आओ, आगे आओ, वेरी गुड, चलो चलो, वेरी गुड, चलो चलो, वेरी गुड। अयान आप भी रेडी हो गए जूते पहन के, चलो वॉकर में। तो यहाँ पे ना हमारे सारे ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर जितने भी थे ना सब सूख गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे सारे अपनी अपनी सवारी पे बैठ गए हैं। ठीक है अयान, तुबा को हमें झूला देना पड़ेगा खुश से, तुबा। तो यहाँ पर ना बच्चों के लिए जो खिचड़ी है ना वो भी बन चुकी है, तो बस इसकी जो सीट है ना वो लगना हल्की सी, मतलब स्टीम में है, तो ये जैसे ही ना स्टीम से निकलता है फिर बच्चों को एक बार खिचड़ी भी दे देती हूँ। और सारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, सोचो जाने से पहले कुछ बिस्किट्स नमकीन ये भी सब कुछ बैग में रख लूँ। तो गाइस बड़ी मुश्किलों से ना मुझे मेरी ब्लैक कलर की जैगिंग मिली है। मैंने सारे ट्रैकिंग वाले कपड़े एक एक खोल के देखा, चीकू के पापा की जो जीन्स है ना काली वाली उसके अंदर रखी हुई थी, मतलब कि ना इतनी देर से, क्योंकि ट्रैकिंग वाले कपड़े आते हैं ना हम लोग लगा देते हैं और पन्नियों के अंदर होता है, खोलते नहीं। हमने कहा चलो जब पहनेंगे तब खोलेंगे, तो भैया क्या करते हैं सब कुछ ना मिक्स कर देते हैं, किसी का टॉप किसी में डाल देते हैं, किसी का सामान किसी में डाल देते हैं। तो गाइस पिछले 15 मिनट से ना पायल के लिए जैगिंग ब्लैक मिली नहीं, बड़ी मुश्किलों से मुझे एक जैगिंग मिली है। तो सोच रही हूँ काम करती हूँ, बेड में ना पुराने कपड़े पड़े क्योंकि पायल तो अभी पतली हो गई है, उसको अपने पुराने कपड़े आ जाएंगे, तो बेड से निकाल देती हूँ कि पायल मार्केट से आए और फटाफट ना फिर हम रेडी हुए और फिर निकले वैष्णो देवी के लिए। तो गाइस कन्नू मामा ने ना मेरे लिए टॉफीज भेजे और गिफ्ट भेजे, अब खोलता हूं उनको। ना मैं खोल दूं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज चिकू, गिफ्ट फॉर यू। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।
अच्छा ये वो है पीछे से वेरी नाइस अच्छी लगी आपको मेरा सारी ना गाड़ियाँ छोटी छोटी कन्नू कहता फिर क्या करेंगे ऐसे ऐसी करते हैं जो अंदर भी जाएगी ठीक है ना तो यहाँ पे जो है गोलू का कोका चेंज हो रहा है क्योंकि मम्मी लेके आई डायमंड का कोका बस हो गया हो गया हो गया हो गया तो गोलू का जो कोका है ना वो निकालने की पूरी कोशिश हो रही है गोलू की आंसू निकल गए पर कोका नहीं निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया इसका मतलब तो बस गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अब हम मिलते हैं आपको सीधा वैष्णो देवी जी के सफर में बाय बाय गुड नाइट तो गाइस मेरे चचू गए थे पता सिंगापुर तो वहाँ से ना बहुत सारे कार्ड लेके आए मेरे से कार्ड लेके आए सेंटा क्लॉस की राइटिंग है बताओ क्या लिखा है पूरा देख लो और ये सेंटा क्लॉस का घर है ठीक है वो अभी भी यहाँ पे है बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।